related आपसे शॉर्ट लॉन्ग या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्यों ना पूछे जाए सो so, बच्चा मानिए व्हाट आर यू वेटिंग फॉर जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज़ वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है सो दैट यू कैन गेट रिमाइंडर्स अबाउट सच अमेजिंग वीडियोस ऑफ ऑलराइट देन विदाउट एनी फर्दर डू लेट मी जस्ट टेल यू द सेशन फ्लो ऑफ द डे की भाई आज के सेशन में हम कब कब क्या क्या करने वाले हैं सो किडो सबसे पहले हमारा जो होगा पोम और सामरी को हम यहाँ पे कवर करेंगे एक सेकेंड Yeah, poem और को हम कवर करेंगे डिटेल में जाएंगे वर्ड टू वर्ड जाएंगे ताकि आपको हर चीज का मतलब पता हो उसके बाद एस सी the you know, है वो से आपके लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं तो थीम को कवर करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट पोर्टिक डिवाइसिस कवर करेंगे जो की इसके अंदर काफी प्रेजेंट है नेक्स्ट भी कवर द्लॉसरी सो देट अगर इसके अंदर कोई भी डिफिकल्ट

All right then, moving ahead, bacha, let's take a quick dose of motivation. अच्छे से motivated, inspired होके पूरी poem समझते हैं. तो आज का dose of motivation कुछ ये रहा.

नेचर उन्हें लगेगा ये बोर्ड एग्जाम्स कितने डिफिकल्ट है ऑन द अदर हैंड अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट हो यानी एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हो तो आपको इस डिफिकल्टी में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि इस बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हो सकते हैं मैं कितने अच्छे नंबर ला सकता या सकती हूं मेरे आगे के ड्रीम्स के लिए मेरा जो रास्ता है वो कितना आसान हो जाएगा सो इफ यू आर एन ऑप्टिमिस्ट प्लीज बेटा इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना स्पेशली इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी को बिकॉज़ ऑल्दो इट इज एन इजी सब्जेक्ट फॉर अ ऑफ यू गाइस स्टिल मोस्ट

तने रिया अभिरमी एंड शगुन कांग्रेचुलेशंस गाइस ग्रेट जॉब सो भाई अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है ना तो वीडियो एंड तक देखना और एंड तक देखने के बाद ना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना ऑलराइट दिस मूविंग अहेड ठीक है आई होप यू गाइस आर नो एब्सोल्युटली एक्साइटेड लाइक दिस यू नो ड्रैगन जो ये आग उगल रहा है वैसी आई होप आपके ना यू नो

जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे करेंगे तो मैं लिटरल डिवाइसेस को ना कवर नहीं करूंगी ठीक है हम सिर्फ मीनिंग समझेंगे तो इस पोम में ना एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा हु लिव्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल वाइट हाउस और उसके पास एक किटन है ब्लैक कलर की एक लिटिल ग्रे माउस है एक येलो डॉग है एक रेड वैगन वैगन क्या होता है ठीक है इस तरीके की ना हाथ गाड़ी टाइप होती है जिसे आप ना ऐसे खींचते हो आगे ज अ वैगन टू एंड उसके पास रियली और ट्रूली उसका मतलब है रियली really, ट्रूली एक पेट ड्रैगन भी है लाइक इमेजिन ड्रैगन एज योर पेट ठीक है सो इट्स अ वेरी इमेजिनेटिव स्टोरी आपको बस इसे थ्रू आउट एंजॉय करना है बहुत ईजी है सो so, भाई पोम में क्या हो रहा है कि एक ब्लिंडा नाम की लड़की है हु लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस ठीक है एंड उसके पास बहुत सारे पेट्स हैं जैसे ब्लैक किटन ग्रीन माउस येलो डॉग रेड वैगन ठीक है ये उसका पेट नहीं है शी जस्ट हैव दिस ठीक है और उसके पास एक ड्रैगन भी है एज अ पेट

एकदम से हम आइस ब्लिंक कर लेते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि एक ब्लिंक में माउस कहां का कहाँ भाग जाए ठीक है ना बहुत छोटा सा बहुत तेज़ सा उसके पास एक माउस है ब्लिंक का फिर द येलो डॉग का नाम क्या रखा है उसने मस्टर्ड ठीक है हर नाम के पीछे एक रीजन है क्यों रखा गया है वैसा नाम उस पेट का तो भाई मस्टर्ड जो होती है ना वो एक तरीके की सॉस होती है एंड इट इज ऑल्सो येल्लो इन कलर ठीक है और वो तीखी होती है तो उसका डॉग भी जो है ना तीखा नेचर होगा मतलब कि बहुत तेज था and it was yellow color, तो उसका नाम भी उसने क्या रखा है Mustard. And जो हुआ था कस्टर्ड यानी, तो यानी बहुत क्यूट सा छोटा सा नाम विच इज नॉट सुटेबल फॉर अ ड्रैगन लाइक ड्रैगन कितने डरावने लगते हैं राइट बट यहाँ पे हमारा जो ड्रैगन है वो खुद ही एक बहुत बड़ा डरपोक है

बिकॉज ये ना डिस्क्रिप्शन बता रहा है हमें हमारे ड्रैगन का और इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है ठीक है कि डिस्क्राइब द ड्रैगन तो भाई जो ड्रैगन है ना उसके बहुत शार्प पीत है ठीक है देख लो यहाँ पे जो ये क्यूट सा ड्रैगन दिख रहा है ना इसके भी दांत बाहर आ रहे हैं वैसे ही बहुत ही शार्प टीथ है एंड स्पाइक्स ऑन हिज टॉप जैसे यहाँ पे हमें स्पाइक्स दिख रहे हैं और स्केल्स अंडर ठीक है दीज आर कॉल्ड स्केल्स ठीक है जो कि आपको स्नेक के या फिर और जो क्रोकोडाइल जैसे रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंडर मिलते हैं राइट फिर like माउथ लाइक है उसे हमने एक से 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 क्योंकि आग हैं। में में क्या निकलता है बच्चा? में से निकलता है है बच्चा? धुआं तो जब उसके मुंह से आग निकल रही है पे स्मोक तो हो गई तो वो स्मोक उसके नोज से निकलता है एज इफ इट वॉज अ चिमनी एंड ही होते हैं बेटा छोटे छोटे नाइफ यानी उसके जो पाव है, है उसके नाखून इतने तेज हैं जैसे कि डाइगर्स हो मतलब कि इतना ज़्यादा खुंखार डिस्क्रिप्शन होने के बाद इतनी ऐसी उसकी यू नो पर्सनैलिटी है ऐसा वो दिखता है एंड स्टिल ही इज अ कावर्ड ठीक है तो वो एक पूरे का पूरा हमें कॉन्ट्रास्ट आयरनी दिखाई गई है कि ड्रैगन होने के बाद भी वो एक बहुत बड़ा कावर्ड है ऑलराइट Support जो है अब हमें डिस्क्राइब कर रहा है ड्रैगन का पूरा का पूरा आउटलुक दैट ही ही हैज हैज शार्प टीथ स्पाइक्स ऑन टॉप्स ठीक है फिर उसके बाद उसकी बॉडी पर टू प्रोटेक्ट इट्स स्किन ठीक है उसके माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर करा गया है बिकॉज इट कैन रिलीज फायर एंड देन उसकी नोज को चिमनी से कंपेयर करा गया है बिकॉज इट आउट स्मोक एंड फीट जो है उसके नाखून इतने तेज है जैसे कि इफ दे वर अ शार्प नाइफ Moving ahead, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे सारे के सारे animals और owners की personality बताई गई है कि सब लोग कितने strong कि Belinda जो खुद है she is as brave as a barrel full of beers. Barrel क्या होता बेटा ऐसा गोल सा डब्बा सा होता है इसके अंदर यूजुअली ना आप अल्कोहल या ड्रिंक स्टोर करते हो ठीक है बट यहां पर बैरल का मतलब है ग्रुप ठीक है कि जितनी वो है, है है, ठीक उतनी फिर जो जो हैं, उसके चूहे और बिल्ली वो लायंस के पीछे भागते हैं मतलब वो लायंस तक को डरा दे इमेजिन अ बिल्ली इमेजिन अ चूहा स्केरिंग अ लायन फिर मस्टर्ड जो है ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज रेज यानी गुस्सा एंगल तो भाई एक टाइगर नॉर्मली कितना खूंखार होता है अब जब उसे गुस्सा आता है वो और कितना खूंखार हो जाता है मतलब एक खूंखार टाइगर जिसे गुस्सा आ रखा है वो उतनी ब्रे, उतना ब्रेव है मस्टर्ड बट जो कस्टर्ड है क्राइस फॉर अ नाइस सेफ केज मतलब ही इज कावर्ड उसे डर लगता है तो वो बोलता है कि नहीं तुम मुझे केज में डाल दो तो। भाई मैं अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता आई वॉन्ट अ नाइस सेफ केज सो so भाई अब बेलेंडा को हमने ग्रुप ऑफ बेयर्स जितना ब्रीफ बताया है इंक एंड ब्लिंक जो है वो लायंस को हंट करते हैं ठीक है ठीके? फिर उसके बाद डॉग जो है वो एंग्री टाइगर जितना ब्रेव है एंड कस्टर्ड वो बिल्कुल ब्रेव नहीं है ही इज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग सो ही ऑलवेज डिमांड्स अ सेफ केज फॉर हिम सर नेक्स्ट बेलेंडा टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल ठीक है अनमर्सीफुल यानी बिना दया के ठीक है विदाउट मर्सी

नाइट कौन होते हैं जो लड़ाई करने जाते हैं ठीक है तो डिस्पाइट बीइंग अ नाइट बींगल बहुत ज्यादा डरपोक था सिमिलरली जो कस्टर्ड है ठीक है वो एक ड्रैगन dragon है ड्रैगन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इन नेट बाय नेचर बट स्टिल ही वाज वेरी कावर्ड ठीक है सिमिलर टू पर्सिबल तो इसलिए पर्सिबल बुलाते थे और वो सब लोग उसके ऊपर बहुत हंसते थे ठीक है बिकॉज द ड्रैगन वॉज अ बिग बिग का सो बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को बहुत स्ट्रोक यानी उसे टिकल करती थी इंग ब्लिंग मास्टर जो है उसका फन यानी मजाक उड़ाते थे बाय कंपेयरिंग हिम टू परस ठीक है एंड ड्रैगन को दे यूज टू टीज हिम बाय सिटिंग इन देर लिटिल रेड वैगन

जैसी आवाज आती थी एक और मास्टर जो है उसका मजाक पूछते थे अरे तुम कितने बड़े हो गए वट इज एज है अभी तो तुम इतने छोटे से हो तुम्हें की जरूरत है सो एवरी वन यूज टू मेक फन हिम इन दाइट

विंडो की विंडो से पायरेट आ रहा था एंड आई एम श्योर की आप सबको पायरेट पता होगा कौन होता है समुद्री डाकू ठीक है जैसे आई पैच लगाता है उसके हाथ में हुक होता है स्पंज बॉब में भी आता था ठीक है सो नाव अब एंट्री हो चुकी है पायरेट की सो so, एकदम से जो है दे वर मेकिंग फन ऑफ ड्रैगन एंड दे ऑल ऑफ अ सडन हेयर अ साउंड की कोई घर में आ रहा है एंड दे ऑल लुक अराउंड कि कौन है तो विंडो से उन्हें पायरेट दिखता है तो डॉग जो है एकदम से ग्राउल करता है किटन मियाओ करती है पेलेंटा एकदम से चीखती है बिकॉज़ दे वर ऑल ऑफ़ द पायरेट मेन्ट नो गुड अब पायरेट का डिस्क्रिप्शन हमें कैसा दिया गया है बाबू भैया वो देखते हैं कि पायरेट के लेफ्ट और राइट दोनों हैंड में क्या थी पिस्टल यानी कि बंदूक ठीक है और उसकी टीथ में ठीक है कटलेस था कटलेस बेसिकली होता है आपका एक छोटू सा नाइफ ठीक है इस टाइप का राइट एंड देन हिज बियर्ड उसकी बियर्ड ब्लैक थी और उसकी वन लेग वुड की बनी हुई थी एक यानी वो लंगड़ा था एंड पायरेट को देखकर आप बता सकते थे दैट ही मेंट नो गुड यानी उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे सो so भाई पायरेट जो है हाथ में हैंडगन्स होल्ड कर रहा था उसके पास एक स्वॉर्ड भी थी ठीक है स्वॉर्ड टीथ में थी उसके और उसकी ब्लैक बियर्ड थी उसकी एक लेग वुड की बनी हुई थी एंड ही मेंट टू देम दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायरेट यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है

नीचे घर की तरफ भाग जाता है ठीक है एंड ब्लिंक जो था माउस होल्ड यानी माउस उसका जो बिल था चूहों का एक छोटा सा बिल होता है ना जैसा कि हमने टॉम एंड जेरी में देखा है तो वो उसके अंदर घुस जाता है सो बेसिकली एवरीवन इज नाउ स्केट सारे के सारे कितने ब्रेव बन रहे थे ठीक है बेयर्स जितने लायंस को हंट करते हैं टाइगर जितने ब्रेव हैं, एंड नाउ एवरी इज स्केट ऑफ द पायरेट

Now comes the the entry of the same Custard who is so coward that he always demands for a safe cage. कि जिसे हमेशा के बता रहा है, से सामने आता है like an जैसे कि इंजिन से आवाज आती है ना ठीक है वैसे ही उसके nostril से आवाज आती है डंजन डंजन like जो होती है बेटा एक jail होती है underground jail. ठीक है जैसे की आप एक जेल के अंदर यू नो आयरन की बड़ी

Right. So, dragon जो है, है है, है? है सबसे unexpected चीज़ करता करता कि कि वो एकदम से पे ठीक और एक एक बहुत सी निकालता जैसे की sound हो। फिर वो अपनी टेल को ग्राउंड पे पटकता है जिससे कि इतनी हेवी साउंड आती है जैसे कि आपने किसी मेटल को अंडरग्राउंड प्रेजेंस में बजाया हो लास्टली वो पायरेट पे ऐसे अटैक करता है जैसे कि एक बर्ड जो है वर्म पे यानी एक कीड़े पे अटैक करती है नेक्स्ट द पायरेट his pocket flag. ड्रैगन एंड two सम but फ्रॉम टू hit and एंड कस्टर्ड gobbled हिम every bit ठीक है पाइरेट का मुंह खुला का खुला रह जाता है गैप का मतलब होता है ऐसे मुंह खुला का खुला रहना वो बेलेंडा की ट्रैकिंग की तरफ देख रहा है कि ये क्या चीज है ठीक है एनी गल्वड गल्व का मतलब होता है स्वलो यानी अटकना ग्रॉग इज बेसिकली एन अल्कोहोलिक ड्रिंक तो वो अल्कोहल पीता है फ्रॉम हिज पॉकेट जो होता है एक छोटा सा यू नो होल्डर होता है जिसके अंदर आप अल्कोहल या कोई ड्रिंक डालते हो ठीक है तो वो थोड़ी सी अल्कोहल पीता है अपने अंदर थोड़ा हिम्मत लाने के लिए वो दो बुलेट्स चलाता है बट दोनों बुलेट्स ड्रैगन को हिट नहीं करती है एंड कस्टर्ड गोबल्ड गोबल्ड होता है खा जाना ठीक है जब तुम हप्सियों की तरह किसी को खा जाओ ठीक है तो उसको एक एक टुकड़े को ऐसे खा जाता है जैसे कि पता नहीं वो एक पीस ऑफ चिकन हो ऑलराइट सो right? so, थोड़ी सी एल्कोहल पीता है टू गैदर सम स्ट्रेंथ नेक्स्ट उसके बाद वो दो बुलेट फायर करता है बट वो ड्रैगन को हिट ही नहीं करती और जो ड्रैगन है वो उसको पूरा का पूरा कच्चा चबा जाता है ओके okay, नेक्स्ट Belinda embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink and around the dragon that ate the pirate. ठीक है तो अब सारे के सारे खुश हैं सारे के सारे ड्रैगन को प्यार कर रहे हैं तो बैलिंडा एम्ब्रेस एम्ब्रेस का मतलब होता है हक करना ठीक है मस्टर्ड उसे चाट रहा है और किसी को भी पायरेट के लिए कोई दुख नहीं है सो नो वन इज मोर्निंग यानी उसका कोई शोक नहीं मना रहा है नेक्स्ट इंक कैन ब्लिंक दे गायरेज गायरेज होता है ठीक है गोल गोल घूमना सो टेकिंग मूविंग इन सर्कल्स टेकिंग राउंड ठीक है इधर उधर घूम रहे हैं वो ड्रैगन के बिकॉज ही हेट द पायरेट आर वेरी हैप्पी ग्ली का मतलब होता है हैप्पी तो सब लोग अब सेलिब्रेट कर रहे हैं सो so, पायरेट का जब डे मर गया तो बेलिंडा जो है ड्रैगन को हक करती है मस्टर्ड करता है नो वन इज सैड फॉर द पायरेट एंड बिंक इंक एंड ब्लिंक जो है दे आर रनिंग अराउंड ड्रैगन बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट नेक्स्ट But presently, up spoke little dog mustard. I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke ink and blink. And up spoke ink and up spoke blink. We'd have been three times as brave as thing. And Custer said, I quite agree that everybody is brave within me. ठीक है, अब ये सारे के सारे लोगों ने बहुत हेकड़ियाँ मारी थी ना कि हम तो इतने brave हैं. So अब जब situation आती है, उस time तो custard ही काम आता है. तो ये सब अपनी, you know, reputation बचाने के लिए क्या-क्या excuses दे रहे हैं कि mustard सबसे पहले बोलता है कि

तो सब लोग क्या कर रहे हैं एग्जैजरेट कर रहे हैं फेंक रहे हैं बट ऑन दी अदर हैंड कस्टर्ड इज वेरी हम्बल ठीक है सो डॉग जो है वो बोल रहा है कि बिकॉज ही वेरी इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया था इंक एंड ब्लिंग भी बोलते हैं कि वो भी उससे तीन टाइम्स ब्रेवर हो सकते थे एंड इस पे कस्टर्ड एब्सोल्युटली करके क्या बोलता है कि एवरीवन इज मोर पावरफुल एंड देन ब्रेवर देन हिम मूविंग अहेड Belinda still lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really a truly old little pet dragon Belinda is as brave as a barrel full of bears and ink and blink chase down the stair chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage but Custard keeps crying for a nice safe cage so starting ke do huye ki do repeat that Belinda bhi, bhi apne white house mein rehti hai, pets wo bhi bhi utna hi bolte ki hum itne strong है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं एंड कस्टर्ड अभी भी के लिए रोता रहता है, है, ठीक दैट कस्टर्ड इज इन सब में सबसे ज्यादा ब्रेव है बस वो बोलता नहीं है right? so भाई, भी, भी अपने व्हाइट हाउस में रहती है विद्स एंड ऑल ऑफ आर वेरी ब्रेव बट कस्टर्ड ही स्टिल क्राइज फॉर अ

So, भाई थीम क्या है दैट द मोस्ट करेजियस क्रीचर्स यू नो दे एक्सपीरियंस देस बोलते हैं ना मतलब माउंटेन ड्यू की वो टैगलाइन है ना कि डर के आगे जीते so, सबको लगता है एंड करेज yes, वो इंसान है जो उस फियर को ओवरकम करे ठीक है एंड करेज इज समथिंग जिसको आप ऐसे बोलकर बता नहीं सकते कि यू नो आई एम वेरी करेजियस यू कैन यू नो एक्चुअली मेजर करेज और यू कैन एक्चुअली यू नो नो इफ समवन इज करेजियस और नॉट जब वो उस सिचुएशन को एनकाउंटर करते हैं ठीक है ऐसे तो मैं बोलो अरे तुम देखो मैं तो टाइगर से लड़ लू मैं तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं बट अगर मेरे सामने जब एक्चुअल में टाइगर आएगा और उस टाइम पे मैं सेम अगर शो कर पाऊंगी डिपेक्ट कर पाऊंगी दैट दैट इज यू कैन एक्चुअली से मैं उतनी करेजियस सिमिलरली एट द स्पॉट आप सेनियसली देख सकते हो कि कोई इंसान करेजियस है या नहीं ठीक है तो एंजाइटीज और डिफिकल्टीज जो है जो भी आपकी परेशानियां हैं लाइफ में ठीक है उनको आप अपनी ब्रेवरी और टेनेसिटी टेनेसिटी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन आप अपनी डिटर्मिनेशन से बिल्कुल ओवरकम कर सकते हो यू जस्ट नीड टू बी लिटिल ब्रेव एज कस्टर्ड उस टाइम पे सबको डर लगता है बट अगर आपने एक पहला स्टेप ले लिया सो यू डेफिनेटली कैन ओवरकम ऑल योर फेयर्स राइट Moving ahead. Now let's discuss the poetic devices that are present in this poem. So, by सबसे पहले rhyme scheme. हर stanza की you know एक regular rhyme scheme है A A B B C C. Similes इस poem में बहुत सारे हैं. Similes क्या होती हैं जब आप like या as की मदद से दो चीजों को compare करते हो. जैसे sharp as mustard, mustard sauce की तरह sharp. Mouth like a fireplace. ठीक है. Metaphor. Metaphor क्या होता है जब आप दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन शो कर रहे हो विदाउट like यूजिंग like करे हुए जहां पर हमने उसकी नोज को चिमनी से कंपेयर करा था बिकॉज चिमनी की तरह उसकी नोज से भी धुआं निकलता है एलिटरेशन जब नेबरिंग वर्ड जो है सेम कॉन्सनेट साउंड से स्टार्ट होते हो जैसे कि एंड ही he सब में में साउंड आ रही है। है, है, सारे सारे एनिमल्स को हमने करा ठीक ये के सारे ह्यूमन चीजें हैं तो जब भी आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी नॉन ह्यूमन चीज को देते हो तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं तो इन सब चीजों में हमने ब्लिंग मस्टर्ड कस्टर्ड सबका पर्सोनिफिकेशन किया है ऑलराइट नेक्स्ट एल्यूजन एल्यूजन क्या होता है जब आप किसी फेमस क्रिएचर का या चीज का रेफरेंस देते हो जो वहां प्रेजेंट नहीं है जैसे हमने पर्सिबल का रेफरेंस दिया था वेन वी कॉल्ड कास्टर्ड आउट बट पर्सिबल वहां पे एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है राइट नेक्स्ट आयरनी आयरनी क्या होता है बेटा कि जिस सिचुएशन में जैसा होना चाहिए उसका राइट अपोजिट हो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, उसका डायरेक्टली अपोजिट हो फॉर एग्जाम्पल यू नो कस्टर्ड ओवर हेयर वेरी ब्रेव वाई बिकॉज इट इज अ ड्रैगन तो एक ड्रैगन जैसे ब्रेव एनिमल से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बहुत ब्रेवली बिहेव करेगा ऑन दी अदर हैंड कस्टर्ड एक बहुत बड़ा कावर्ड है जो एक केज के लिए क्राई करता रहता है सो दैट इज आयरनी सिमिलरली जो कस्टर्ड है द सेम ड्रैगन ठीक है जो कि एक केज के लिए रोता रहता था जैसे सब लोग चिड़ाते थे वो कावर्ड है वो टूवर्ड्स दी एंड पायरेट से लड़ता है पायरेट को मारता है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाकी सारे एनिमल्स तो इतना फेंकते थे कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं वो नहीं लड़ते जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कस्टर्ड जो कि की कीज के लिए रोता रहता है वो पायरट को मारता है सो दैट इज ऑल्सो आयरॉनिक फिर पोर्टिक लाइसेंस वोट इज पोर्टिक लाइसेंस जब पोच जो है ना अपनी राइम्स की अपने फायदे के लिए ठीक है वर्ड्स की स्पेलिंग्स बदल देते हैं जैसे रियली ट्रूली को रियली ट्रू ली को विंडो को विंडा ठीक है तो इन सब में पोर्टिक लाइसेंस यूज हुआ है

बहुत का रिपीट होना रियल यू ट्रूली यू टिकल्ड हिम ये बहुत कुछ रिपीट हुए हैं इमेजरी इमेजरी क्या होती है जब इतने विविड शब्दों का इस्तेमाल करे कि आप चीजों को इमेजिन कर सको जैसे कि जब हम यू नो कस्टर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था पायरेट का पूरा अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन दिया था तो हम इमेजिन कर सकते थे कि कस्टर्ड जो है यू you नो know, उसके स्केल्स हैं उसके जो नाखून है दे आर लाइक डैगर्स पायरट जो है उसके दोनों हाथ में पिस्टल्स हैं ठीक है सो दैट इज इमेजरी फिर ऑनोमैच्रोपिया क्या होता है बेटा जब आप साउंड वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे साउंड वर्ड्स है meow, clank, clink, giggling, ये सारे के सारे ऑनोमैचोपिया है जो कि साउंड वाले वर्ड्स है राइट सो बचा पार्टी दैट दीज आर ऑल द डिफिकल्ट वर्ड वी हैल्टीज आर ऑल दिवाइज स्टॉप ग्लॉसरी तो अब आएगा ना डिफिकल्ट words तो आप करेंगे

डैगर डैगर भी एक शार्प नाइफ होता है और डंजन क्या होते हैं अंडरग्राउंड ठीक है जैसे कि पुराने टाइम में कैसल्स में जो होते थे ना प्रिजल्स जो होते थे वो जमीन के नीचे में लाए जाते थे तो उन्हें दिए जाए पोम नॉलेट चेक यो नॉलेज ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स so, जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है ठीक है बाद में कि आपके क्या स्कोर रहे या फिर गो टू डब्ल्यू 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 डॉट कोड टू टू नाइन जीरो टू नाइन सो किसी चीज को भी करके आप आराम से वीकस को खेल सकते हो एंड वेट 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 वी स्टिल हैव द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू तो बच्चा आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा वाई डिट कस्ट क्राई फॉर एन आई स्केज

स्टोरी का वन शॉट आ रहा है सो प्लीज गो चेक दैट आउट एज वेल कोई सेशन मिस करने लायक नहीं है एंड गाइज दिस इज अ टेलीग्राम चैनल सो अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज के रिमाइंडर्स बीटीएस पीरियड्स चाहिए सो प्लीज जॉइन अ कम्युनिटी ओवर देयर also kiddos this is my instagram handle so feel free to reach out to me over here personally for your study or non-study related doubts and let me just tell you English ka ek additional shots channel bhi hai where every week I put up shots to help you with the grammar vocabulary also pe recently apke sare chapters and poems 60 seconds summarize I start kane. so please go ahead check that out as well the link for that is also given in the description box and if you enjoyed this video